नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। योगी सरकार में सख्त कानून के बावजूद भी दबंगों द्वारा गरीबों पर कहर बरपाना अब एक आम बात हो गई है। घटना दो दिन पूर्व की ही पीड़ित अपने घर को छोड़कर परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर का है। पीड़ित बनवारी पुत्र राम बरन निवासी गौतम नगर देवरी रोड ने बताया कि हमारा बेटा लकी पुत्र मोती राम के यहाँ कारखाने में मजदूरी का कार्य करता था। हमारे 30,000 रुपये मजदूरी के निकल रहे थे, वह 4 साल से पैसे को नहीं दे रहे थे। थक हार मानकर बेटे ने उन कारखाने का काम बंद कर दिया और अपना काम करने लगा। यही बात दबंग को नागुजार लगी और नागवार लगी। दबंग घात लगाकर बैठे थे, जब बेटा पैसे मांगने गया तो दबंगों ने उसे पकड़कर खूब मारा। उसके बाद हमारे घर पर आकर जो छत की जगह टीन सेट पड़े हैं उनको तोड़ डाला और घर में अंदर घुसकर पत्नी कमलेश को जमीन पर पटक कर लात घूसों से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि अब दबंग सरिया हाकी लेकर पीड़ित के पीछे लगे हुए और डर की वजह से पीड़ित ने अपने आसियाने को ही छोड़ दिया है। दबंग की योगी सरकार में इतनी साथ गांठ है कि पीड़ित थाने के चक्कर काट कर थक गया, लेकिन उसकी तहरीर नहीं लिखी जा रही है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही योगी जी से गुहार लगाई है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पीड़ित परिवार आत्मदाह करने पर मजबूर होगा। अब देखना यह होगा कि योगी बाबा बुलडोजर की पुलिस कब तक पीड़ित को न्याय दिला पाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज नाइन भारत से आगरा संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है बाबूजी? राम बरन जी, कौन कहाँ के निवासी हैं? देवी रोड गौतम नगर। क्या बात हुई थी उस दिन? मेरे से साथ झगड़ा हुआ था, मेरे लड़के ने पैसे मांगे थे दिन में, मुझे पता नहीं था, इस वजह से ये सब लोग मिलकर के मेरे को घर पर बैठा हुआ पीटा है। अच्छा, घरवाली को पीटा है और मेरे घर में मारपीट की। बहुत मारपीट लग जाने के बाद इन लोगों ने मेरे तोड़ फोड़ की है, भाई नुकसान किया है। जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था वो सारे को निकाल ले गए। पुलिस आई थी घटना? पुलिस नहीं आई थी, मैंने एक सवार पर कॉल किया था, पुलिस आई थी, रास्ते में लौट गई। मेरे 1070 रुपये मैंने कॉल किया था, जब पुलिस तत्काल में आई थी तो मेरे को जो बुला के लाए थे दोनों पार्टी को पकड़ के वहाँ से ले गई पुलिस और वहाँ से इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? मेरे को चाहिए साहब इंसाफ चाहिए, हम मर जाएंगे और यहाँ पर आत्महत्या कर देंगे। ठीक। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।